गमे ज़िंदगी से जो घबरा गया हो, पुकारे अकीदस से या गौसल आज़म, गमे ज़िंदगी से जो घबरा गया हो पुकारे अकीदस से या गौसल आज़म। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे इस्लामी भैन भराओ, तुहानू एक ऐसा वजीफा, इसमें आज़म जिन्हों कहा जाता, तुम ऐसा वजीफा दसन लगा, इंशाल्लाह तुसी पढ़ोगे उन्हों तो दीन दुनिया की परेशानी दे खत्म होनी है। लेकिन वह तड़ो समझो, तुसी इस्तगारे दा इस्तगारा भी होगा तो रात में सोने तो बाद तुहानू बड़ा कुछ उहदे विच नज़र आएगा, उहदे विच बड़ा कुछ नज़र आएगा तुहानू रात में। होर अगर तुसी उन्हों रात में पढ़ोगे तो रात में तुहानू बड़ा कुछ नज़र आएगा। अगर तुसी सुबह ली सुबह पढ़ोगे फजर नमाज़ पढ़, फिर तुहानू कारोबार लिए तुहानू फायदा देगा। तुसी अक्सर कहते बाबा जी ओकड़े मैं अगे कारोबार लिए सुटिया वजीफा बा मौका ले, तो बच्चे कहते बाबा जी कोई आसान जहा वजीफा दसो, तो इसलिए हम बा मौका नहीं है। यह बड़ा प्यारा वजीफा है, सूरज यासिन की आयत हैगी जी, ठीक है। तो यह तुम पढ़ के सुनाना, तुसी इन्हें पढ़ना है, जिन्हें रात में पढ़ना है उन्हें पढ़ना इन 500 दफ़ा पढ़ना की है। सलामुन कौलम में रब्बे रहीम, सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। तो जिन्हें सुबह टाइम कारोबार लिए पढ़ना है अपने, वो पढ़ेगा इन 131 दफ़ा, इन 131 दफ़ा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। ए कारोबार लिए पढ़नी 131 दफ़ा। अगर रात में कुछ देखना असें पढ़ना चाहो, रात में कोई चीज़ किस तरह कहते हो बाबा सानू नज़र आना चाहिए, तो फिर तुम इनू इस्तगारे में भी लै सकते हो। तुम पढ़ना सलामुन कौलम में रब्बे रहीम 500 दफ़ा, इंशाल्लाह 500 दफ़ा पढ़ोगे रात में सौन तो पहले, तो फिर नज़ारे तुम देखना है कैसे नज़ारे आते सू रात में। बचो फिर इन्हें पढ़ो, तो इंशाल्लाह बाबे आप दुआवां याद रखो। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम।